मुरादाबाद जनपद के थाना मंझोला पुलिस एसओजी टीम एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा करते हुए दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर उनके पास से 83,000 की नकदी, फर्जी सिम, लैपटॉप व टेलीफोन एक्सचेंज में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं। ये फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज मंझोला थाना क्षेत्र के आजाद नगर नई बस्ती में चल रहा था, जिसकी सूचनाएं लगातार पुलिस को लग रही थी। इसी के तहत संयुक्त टीम द्वारा आजाद नगर में छापा मारकर कार्यवाही करते हुए इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया गया है। मुरादाबाद जनपद के मंझोला थाना पुलिस टीम ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाते हुए कुनरकी थाना क्षेत्र के गांव डोमघर में रहने वाले मोहम्मद कलीम पुत्र मोहम्मद रईस और उसके भाई मोहम्मद महराज को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों भाई मंझोला थाना क्षेत्र के आजाद नगर में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का संचालन कर रहे थे। यहाँ से इंटरनेशनल कॉलों को लोकल कॉल में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा था। पकड़े गए आरोपी मोहम्मद कलीम ने पुलिस को बताया कि मार्च 2022 में वह सऊदी अरब गया था। वहां पर एक अनजान व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई और दोनों आपस में कभी कभी बात कर लिया करते थे, लेकिन उसको मोहम्मद कदीम नहीं जानता था। उस आदमी ने कदीम को फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज लगाकर इंटरनेशनल कॉलों को लोकल कॉल में परिवर्तित करके रुपए कमाने का तरीका बताया, जिससे वह लालच में आ गया और उसने यह प्लान अपने भाई मोहम्मद महराज को बताया तो उसका भाई महराज तैयार हो गया। फिर दोनों ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के लिए आवश्यक सामान की पूर्ति करने के लिए कदीर, जो कि मोहम्मद कदीम के साथ सऊदी में काम करता था, के भांजे जोहरा उर्फ सरफराज से संपर्क कर टेलीफोन एक्सचेंज में आवश्यक सामान की व्यवस्था की गई और सिम कार्ड की व्यवस्था राजस्थान के रहने वाले राहुल जैन के द्वारा की गई थी। सिस्टम लगाने के लिए मंझोला थाना क्षेत्र के लाइन पार नई बस्ती आजाद नगर में एक मकान किराए पर लेकर फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज शुरू कर दिया गया, जिससे उन्हें काफी आमदनी होने लगी थी। ये एक गैंग थाना मंझोला पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा पकड़ा गया है और ये बेसिकली बाहरी जो विदेशों से कॉल की जाती है इंटरनेशनल कॉल, उनमें एक फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इसमें से जो एक अभियुक्त है जिसका नाम कदीम है, ये मार्च में सऊदी अरब गया था। वहाँ इसके अपने एक अन्य साथी से वहाँ ये मिला, जो संभवतः इसका काम पहले से करता रहा होगा। उसने इसको बताया कि एक सेटअप है जो मैं तुमको दूंगा, इसका खर्चा भी मैं ही बहन करूँगा और तुमको वहाँ पर इसको सेटअप को लगाना है। इसमें कुछ सिम कार्ड्स होंगे जिन्हें इंस्टॉल करना होगा, तो सारी चीज़ें वो उपलब्ध कराएगा इनको और इसके बदले में इनको 20,000 रुपये पर मंथ इनको सैलरी देगा। इसने अपने छोटा भाई, इसका जो यहाँ इंडिया में ही रह रहा था, उससे इसने बात की तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर, जो इसका नाम महराज है, ये दोनों डोमगढ़ थाना कुदरकी जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ थाना मझोला क्षेत्र में एक मकान लिया और उसमें एक पूरा सेटअप जिसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसमें लगभग इनके कब्जे से करीब 500-550 सिम अलग अलग कंपनियों के बरामद हुए, वो सब लगाया और इसके माध्यम से ये लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनको उनकी कॉल कराया करते थे, तो सस्ती दर पर कॉल कराते थे। इनका बेसिकली जो मॉडस अपरेंटली था वो कुछ इस तरह से था कि वहाँ जो व्यक्ति बैठा होता था इंडिया से बाहर समाप्त सऊदी अरब में, उसको कोई एक एप्लीकेशन उनके मोबाइल में डाउनलोड कराया जाता था जहाँ से एक इंटरनेट कॉलिंग होती थी और वो कॉलिंग यहाँ पर कन्वर्ट होती थी, यहाँ से एक नई कॉल जो यहाँ से हमारे जो GSM सिम लगे हुए थे उनके माध्यम से जनरेट होती थी और वो कॉल फिर संबंधित व्यक्ति से के पास पहुँचती थी। इस प्रकार से जो इंटरनेशनल कॉल है वो ये लोग आसानी से एक सस्ती दर पर कर लेते थे और इसका लाभ दोनों यहाँ और वहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति जिसके माध्यम से लोग काम कर रहे थे वो दोनों उसमें लाभ कमा रहे थे। ये एक तरह का वायलेशन था, एक नियम विरुद्ध था, इसका कोई लाइसेंसिंग प्राप्त नहीं की गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी फैसला।